हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि नवंबर के महीने में हमें हमारे गुलाब के पौधे की देखभाल कैसे करनी है, इसमें कौन कौन सा खाद डालना है और कौन सा काम आपको नवंबर के महीने में आपके गुलाब के पौधे में नहीं करना है। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में जो कि मैंने अक्टूबर महीने की देखभाल के बारे में आपके साथ शेयर किया था, उसको आपके साथ शेयर किए हुए मुझे एक महीने हो चुके हैं और जिन भी पौधों में मैंने प्रूनिंग करी थी उसका वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया था, उन सब की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हो गई है और उसमें काफ़ी अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। लेकिन जैसे ही ग्रोथ आनी शुरू हो जाती है तो उसके बाद नवंबर के महीने में आपको आपके गुलाब के पौधे में क्या काम करना है, ये सारा इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि क्या हम अभी भी अपने गुलाब की प्रूनिंग कर सकते हैं। तो आप प्रूनिंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ज़्यादा ब्रांचेस को आप ना काटें, लेकिन आप 40% जो ख़राब होती हुई ब्रांचेस है और ऐसी ब्रांचेस जिस पर लंबे टाइम तक कोई भी फूल नहीं आया है, आप उसको काट करके निकाल दीजिए। प्रूनिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं। प्रूनिंग करने से आपका जो गुलाब का पौधा है वो नई ब्रांच निकालता है, तो इससे आपका पौधा फिर से नया हो जाता है और जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं उसके ऊपर काफ़ी कीड़े या फिर फंगस लगे होते हैं वो भी प्रूनिंग के साथ ख़त्म हो जाते हैं और नई पत्तियाँ निकल कर आती हैं और आपका पौधा फिर से नया हो जाता है। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी हिस्सा है आपके गुलाब के पौधे में, जो कि आप अभी भी कर सकते हैं। अगर आपके पास देसी गुलाब का पौधा है और उसमें छोटे छोटे फूल आ रहे हैं तो आप उसकी हल्की हल्की ट्रिमिंग कर दीजिए, यानी कि ऊपर से सिर्फ थोड़ी थोड़ी ब्रांचेस को आप इसको कट करके निकाल दीजिए। इससे आपके पौधे में जो फूल आ रहे हैं उनका साइज़ बढ़ जाएगा। देसी गुलाब पर एक सेपरेट वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगी जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहला काम है प्रूनिंग, जो कि आपको नवंबर तक आपके गुलाब के पौधे में कर लेना चाहिए। अगर आपने प्रूनिंग अक्टूबर में कर ली थी तो आपके गुलाब पर नए ग्रोथ आने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि इस वीडियो में आपको दिखाई दे रहा है। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि आपको रेगुलर आपके गुलाब के पौधे पर करना है, अगर आपको आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस चाहिए तो इसके लिए आप रोज़ दिन में 2 बार इसके ऊपर पानी का स्प्रे करें। पानी का छिड़काव बहुत ज़रूरी है। पानी का छिड़काव करने से जो इसकी ब्रांचेस हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं और ज़्यादा नई ग्रोथ निकल कर आती है। अगर आपके पास टाइम की कमी है तो आप सुबह के टाइम इसके ऊपर पानी का स्प्रे ज़रूर करें, और अगर आप शाम के टाइम पानी का स्प्रे करते हैं तो हमेशा सूरज को ढलने से पहले आप पानी का स्प्रे करें, ताकि रात होने से पहले जो पानी है इसके ऊपर से सूख जाए, पत्तियों के ऊपर ना रुके। अगर पत्तियों के ऊपर रुकेगा तो नमी होने की वजह से कीड़े या फिर फंगस लग सकते हैं। तो हमेशा जो है वो सूरज के ढलने से पहले आपको पानी का छिड़काव शाम के टाइम करना है। अगर आपके गुलाब के पौधे में नई ग्रोथ आने लगी है और आप पानी का छिड़काव नहीं करते हैं तो इससे आपके गुलाब के पौधे पर जो नई ब्रांच निकल कर आई है उसके ऊपर कली नहीं बनेगी और वो ब्लाइंड शूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लाइंड शूट यानी ऐसी ब्रांच जहाँ से कोई कली निकल कर नहीं आती है। टिप्स नंबर 3, आप अपने गुलाब के पौधे को एक धूप वाली जगह पर रखें जहाँ पर कम से कम 5-6 घंटे की अच्छी धूप इसको मिल जाए तो फ्लावर अच्छे निकल कर आते हैं। इसके साथ ही टिप्स नंबर 4, आपको आपके गुलाब के पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर मॉइस्चर को बनाकर रखना है। अगर अभी आपने आपके गुलाब के पौधे की प्रूनिंग करी है तो इसकी मिट्टी मॉइश होनी चाहिए, बिल्कुल सूखनी नहीं चाहिए। जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, मिट्टी ऐसी मॉइश होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि इसके अंदर पानी भरा हो, ऐसी कंडीशन भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मिट्टी मॉइश होनी चाहिए। अगर मिट्टी मॉइश होगी तभी आपके गुलाब के पौधे पर ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आएंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि इस समय हम हमारे गुलाब के पौधे को क्या क्या फर्टिलाइज़र, क्या क्या खाद हम दे सकते हैं। इसके लिए आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ 3 तरह के फर्टिलाइज़र को शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ तो अच्छी होगी, फूल भी बहुत अच्छे निकल कर आएंगे। फ्रेंड्स, पिछले अक्टूबर में जब मैंने आपके साथ फर्टिलाइज़र शेयर किया था तो मैंने आपको कहा था कि आप एकदम से आपके गुलाब के पौधे को कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र ना दें, लेकिन अभी नवंबर शुरू हो चुका है तो इस समय अगर आप कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं आपके गुलाब के पौधे को तो आप केमिकल फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। नवंबर के महीने में आप आपके गुलाब के पौधे को जितना अच्छा खाना देंगे उसमें उतने ही अच्छे फूल निकल कर आएंगे। जो केमिकल फर्टिलाइज़र आप इस्तेमाल कर सकते हैं उसमें आप NPK का यूज़ कर सकते हैं। NPK में जैसा कि आप देख रहे हैं कि NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम,
19-19-19 जिसमें इन तीनों की बैलेंस मात्रा है। आप एनपीके 20-20-20 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एनपीके कई सारे मार्केट में अवेलेबल हैं जिसमें नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस का अलग अलग कॉम्बिनेशन है। अगर आप आपके पौधे के लिए एनपीके लेना चाहते हैं तो आप 19-19 या फिर 20-20 एनपीके ले लीजिए। यहाँ मैंने लिया है 1/4 चम्मच एनपीके जो कि मैं 1 लीटर पानी में मैंने डाला है। दूसरी जो चीज़ मैं यहाँ ले रही हूँ वो है पोटाश, पोटाश यानी पोटाशियम। एनपीके में भी पोटाश की मात्रा थी लेकिन अभी क्योंकि हमारे गुलाब के पौधे का ग्रोइंग टाइम है, जितनी मात्रा में हम इसको पोटाश देंगे तो इसमें ज़्यादा कलियाँ बनेंगी और अच्छी फ्लावरिंग होगी। जो पोटाश मैंने लिया है वो भी मैंने 1/4 चम्मच लिया है। तो एनपीके और पोटाश को मैंने 1 लीटर पानी में घोल लिया है। इसके साथ मैं लेने वाली हूँ बायोवीटा सीवीड लिक्विड। आपके पास अगर बायोवीटा सीवीड लिक्विड नहीं है तो आप ग्रेन्यूल्स, अगर आपके पास है तो आप ग्रेन्यूल्स भी ले सकते हैं। अगर आपके पास बायोवीटा नहीं है तो इसकी जगह कोई और जैसे कि ताकत, सागरिका, जिसमें आपके पास जो भी अवेलेबल हो उसका इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना है, आपको आपके गुलाब के पौधे पर देना है क्योंकि इनमें कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे कि आयरन, सल्फर, कैल्शियम। ये छोटे छोटे जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं ये पौधे के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर इसकी कमी होती है तो जो पत्तियों की ग्रोथ है वो अच्छी नहीं होती है, फूलों का साइज छोटा होता है और पत्तियाँ पीली सी दिखाई देती हैं। ये एक मग्गे में मैंने तीनों ही चीज़ें घोल ली थी और इसको मैं एक पौधे में डालूंगी। इसको आप 10 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे पर रिपीट कर सकते हैं अच्छी फ्लावरिंग के लिए। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र की। अगर आप आपके गुलाब के पौधे को कोई केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं देना चाहते हैं तो आप ऑर्गेनिक कंपोस्ट भी डाल सकते हैं जिसका बहुत बढ़िया रिजल्ट है। अगर आप सिर्फ गोबर की खाद भी 15 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे को दे देंगे तो इससे काफ़ी सारी कलियाँ निकल कर आती हैं और अच्छी फ्लावरिंग होती है। ये जो कॉम्बिनेशन मैंने लिया है इसमें मैंने लिया है 150 ग्राम वर्मी कंपोस्ट और इसके साथ ही मैंने लिया है 7-8 दाने DAP के और 1/2 चम्मच सीवीड ग्रेन्यूल। यानी कि मैंने यहाँ 3 चीज़ें ली है और इन तीनों को मिक्स करके आप आपके गुलाब के पौधे में 15 दिन में एक बार दे दीजिए। मैंने इन तीनों को मिक्स इसलिए किया है क्योंकि तीनों को मिक्स करने से आपके गुलाब के पौधे में कोई भी कमी नहीं आएगी, ना तो आयरन की और ना ही मैग्नीशियम की, और जो नाइट्रोजन, पोटाश और फास्फोरस रेगुलर आपके गुलाब के पौधे को मिलता रहेगा। हमें इस तरीके का कॉम्बिनेशन हमारे गुलाब के पौधे को देना है जिससे कि पत्तियों की ग्रोथ अच्छी हो, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस निकल कर आए, कलियों की मात्रा ज़्यादा हो। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं होममेड फर्टिलाइज़र की, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 1 या 2 गुलाब का पौधा है और घर में ना तो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र है और ना ही कंपोस्ट है। तो यहाँ एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं होममेड फर्टिलाइज़र से। यहाँ मैंने लिया है 5 चम्मच सूखी हुई चाय की पत्ती। ये वो चाय की पत्ती है जो चाय की छन्नी में बच जाती है, आप इसे धोकर सुखा लीजिए। इसके साथ मैंने लिया है 3 चम्मच केले के छिलके का पाउडर। केले के छिलके को आप धूप में सुखा लीजिए और उसके बाद उसको पीस कर इसका मोटा मोटा पाउडर आप बनाकर अपने पास रख लीजिए। ये एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र है। जो तीसरी चीज़ आपको दिखाई दे रही है ये है अंडे के छिलके का पाउडर जो मैंने लिया है 2 चम्मच। अंडे के छिलके से हमारे गुलाब के पौधे को कैल्शियम और थोड़ी मात्रा में फास्फोरस भी मिल जाती है, इसमें मैग्नीशियम की मात्रा भी मिलती है। चौथी जो चीज़ हमने ली है ये है 1/2 चम्मच कॉफ़ी पाउडर। ये भी आपको आपके घर के किचन से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फ्रेंड्स, इसमें से जो भी फर्टिलाइज़र आपको आसानी से आप घर में बना लें, आपको मिल जाए, उनको मिक्स करके आपको 15 दिन में एक बार आपके गुलाब के पौधे में देना है। अगर आप कोई भी फर्टिलाइज़र बाहर का, मार्केट का नहीं ले रहे हैं तो आप इस कॉम्बिनेशन को आपके गुलाब के पौधे में 15 दिन में एक बार ज़रूर दें। इससे भी आपके गुलाब के पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। इसके साथ ही आप केले का और प्याज के छिलके का लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर हफ्ते में एक बार आपके गुलाब के पौधे को दें। इसके लिए आप प्याज के छिलके और केले के छिलके को 1 दिन के लिए भिगो कर रख दीजिए और अगले दिन उसका जो लिक्विड बनकर तैयार होता है उसको आपको आपके गुलाब के पौधे में देना है। तो फ्रेंड्स, आपके पास जो भी फर्टिलाइज़र है आप आपके गुलाब के पौधे को दीजिए। इसके बाद हम बात करेंगे गुलाब के पौधे पर आने वाली मुख्य समस्या के बारे में। जैसे ही गुलाब के पौधे में नई पत्तियां आनी शुरू होती है तो इसके ऊपर कीड़े आकर लग जाते हैं, थ्रिप्स का अटैक हो जाता है और कुछ कंडीशन में इसके ऊपर माइट्स भी लग जाते हैं। तो जो पत्तियाँ हैं वो जली हुई सी और मुड़ी हुई सी दिखाई देने लगती हैं और आपका जो पौधा है वो इसमें कली आने से पहले ही पौधा हमारा ख़राब होने लग जाता है।
तो यहाँ आपको फंगीसाइड और इंसेक्टीसाइड का स्प्रे रेगुलर बेसिस पर आपको आपके गुलाब के पौधे में करना है। कम से कम 10 दिन में एक बार आप फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। फंगीसाइड के लिए आप बावस्टीन या फिर साफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच 1 से 1.5 लीटर पानी में घोलकर फंगीसाइड आप 10 दिन में एक बार गुलाब के पौधे पर ज़रूर स्प्रे करें। इसके साथ ही कीड़े मारने की दवाइयों का इस्तेमाल भी आपको करना पड़ेगा। इंसेक्टीसाइड का इस्तेमाल आपको ज़रूर करना पड़ेगा। इसके लिए आप कॉन्फिडर या फिर एक्सोडस ले सकते हैं या जो भी इंसेक्टीसाइड आपके पास है उसका इस्तेमाल आप करें। 1 लीटर पानी में आपको 1 ml एक्सोडस और 1 ml कॉन्फिडर लेना है। इन दोनों को आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप अल्टरनेट करके कर सकते हैं। यानी कि एक दिन आप एक्सोडस का स्प्रे करो, अगले दिन आप कॉन्फिडर का स्प्रे करें। लेकिन सबसे आसान तरीका है जो कि मैं इन दोनों को साथ में 1 ml मैं 1 लीटर पानी में घोलकर एक साथ ही इनका स्प्रे मेरे गुलाब के पौधे में कर दूंगी। इसको करने से कोई भी दिक्कत आपके गुलाब के पौधे में नहीं आएगी। दोनों को मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका स्प्रे अच्छे से आपको आपके गुलाब के पौधे में करना है। कम से कम 10 दिन में एक बार तो आप किसी भी इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपके गुलाब के पौधे में ज़रूर करें। इससे आपका पौधा जो है वो स्वस्थ रहेगा और ज़्यादा ब्रांचेस निकालेगा, अच्छी अच्छी कलियाँ आएंगी इसके ऊपर और अच्छी फ्लावरिंग होगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।